कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हरिओम नारायण। अष्टावक्र गीता प्रकरण आठवां सूत्र पहले का दूसरा भाग। ज्यों ज्यों उसे प्राप्त होता जाता है लोभ बढ़ता जाता है, तृष्णा बढ़ती जाती है, मोह बढ़ता जाता है। एक पूरा जाल तैयार हो जाता है। जब उसे प्राप्त होता है तब हर्ष होता है, प्राप्त नहीं होने पर दुख होता है। इस प्रकार वह सुख दुख का अनुभव करता है। प्राप्त नहीं होने पर अथवा बाधा आने पर क्रोधित भी होता है। इस प्रकार जब चित्त इच्छा करता है, वासना ग्रस्त होता है, तभी वह कुछ चाहता है, सोचता है, त्यागता है, ग्रहण करता है, और इसी से उसे सुख और दुख होता है। योग वशिष्ठ में भी कहा गया है कि वासना से बंधा चित्त ही बंधन है और वासना का क्षय ही मोक्ष है। इसलिए हे राम, तू वासना का त्याग करके मोक्ष की इच्छा का भी त्याग कर दे, तब तू सुखी होगा। बाहर कर्म जगत है जो छोटा है, किंतु इसके पीछे एक विशाल विचार जगत है एवं उसके पीछे ही सबसे विशाल वासनाओं का जगत है। वासनाओं से ही विचार उत्पन्न होते हैं एवं विचारों से ही कर्म होते हैं। इसलिए कर्मों को रोक देने से विचार नष्ट नहीं हो सकते एवं विचारों को रोक देने से वासनाएं नष्ट नहीं होती। वासनाएं यदि मूल है तो विचार उसके तने एवं शाखाएं हैं एवं कर्म उसके पत्ते हैं। इन सब की खुराक तो वासना रूपी जड़ों से मिल रही है, जिससे पत्ते मात्र काट देने से कोई परिणाम नहीं होता। जब तक वासनाएं जीवित हैं तब तक कर्मों पर रोक लगा देने से कोई लाभ नहीं होता, बल्कि वासना क्षय से यह विचार और कर्म जगत अपने आप नष्ट हो जाता है। चित्त में होती है वासना, उसके कारण मन सक्रिय होता है, जिससे विचार उत्पन्न होते हैं। इन विचारों को बुद्धि नियंत्रित करती है। वह थोड़े से विचारों को ही क्रियान्वित करने के लिए वह शरीर को आदेश देती है, तब शरीर कर्म में उतरता है। अतः कर्मों का अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। वासना के कारण ही मनुष्य सोचता है, चिंतन करता है, त्याग करता है, ग्रहण करता है एवं सुखी दुखी होता है। ये सब लक्षण हैं जो वासना के कारण पैदा होते हैं, जिनसे यह पहचाना जाता है कि अभी वासना शेष है। मन का सक्रिय होना ही बंद नहीं है, बल्कि वासना की उपस्थिति ही बंद है। वे काम, क्रोध, लोभ आदि उसके फल हैं। वासना से ही चित्त में तरंगे उठती है। ये तरंगे ही मन है। तरंगों को सीधा रोका नहीं जा सकता, केवल वासना रूपी वायु के रुकने से ही तरंगें शांत होगी। इसी प्रकार वासना क्षय से ही मन का क्षय होगा, अन्यथा नहीं। अतः न शरीर बंधन है, न उसके कर्म, न मन बंधन है, न उसके विचार, बल्कि यह वासना ही बंधन है। यह वासना चाहे भोग की हो या त्याग की, संसार की हो या मोक्ष की, ग्रहण की हो या त्याग की, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों ही बंध है। कर्म में उलझने वाला राजनीतिज्ञ हो जाएगा, तर्क वितर्क में होशियार हो जाएगा, विचार में उलझने वाला दार्शनिक हो जाएगा, किंतु जो साक्षी को उपलब्ध हो गया वही धार्मिक है, वही मुक्त है। विचारों का जगत इन तरंगों का जगत है।
दार्शनिक इसी का हिसाब लगाता है। उसे शांत समुद्र का कुछ पता नहीं होता। राजनीतिज्ञ कर्म में ही उलझा रहता है। उसे विचार जगत का भी पता नहीं रहता। कर्म सामान्य जन के भी समझ में आ जाते हैं, इसीलिए कर्मों की व्याख्या अधिक हुई। विचार के तल पर कुछ ही लोग पहुंच पाते हैं, अतः इन्हें कमी समझा गया एवं साक्षी तल पर जो बिरले ही पहुंचते हैं, इसीलिए जो सबसे मूल्यवान है वह अधिकांश की पहुंच के बाहर हो गया। यही कारण है कि अज्ञान सर्वाधिक है एवं यही संसार है, यही बंधन है। ज्ञान अर्थात मुक्ति बहुत कम को उपलब्ध है। संसार में जितने भी धर्म हैं वे विचारों के जगत के से ऊपर के नहीं हैं। संसार में जितने भी धर्म हैं वे विचारों के जगत से ऊपर के नहीं हैं, इसीलिए भिन्नताएं प्रतीत होती है। उपलब्धि का कोई धर्म है ही नहीं। मूल तो कर्म में ही उलझ कर रह गए। वे आचरण सदाचार कर्मकांड से ऊपर की स्थिति का अनुभव ही नहीं कर पाए। अष्टावक्र इन सब को बंधन कहते हैं। मूल तो अर्थात पागल तो कर्म में ही उलझ कर रह गए। वे आचरण सदाचार कर्मकांड से ऊपर की स्थिति का अनुभव ही नहीं कर पाए। अष्टावक्र जी इन सबको बंधन कहते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हरिओम नारायण नारायण।